हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीसीसीआई को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं आईपीएल के शेड्यूल को तय करने में। ऐसे में एक और खबर सीधा यूएई से मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि अभी आईपीएल के शेड्यूल को जारी होने में और समय लग सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको हाल ही में पता चला होगा कि कोविड की वजह से कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कोरोना संक्रमित हो गए हैं, उनका स्टाफ संक्रमित हो गया है। सीएसके की मैं बात कर रहा हूं, 20 तारीख से लेकर अभी तक लगभग 2000 टेस्ट हुए हैं जिसमें से 13 लोग पॉजिटिव मिले हैं, जिन्हें अलग से अब क्वारंटीन कर दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है। इस वजह से अभी और देर इस पूरे शेड्यूल में हो सकती है। पहले ये था कि सभी टीमें पहले पहुँच जाएँ, सभी अधिकारी पहले यूएई पहुँच जाएँ, बीसीसीआई के सभी अधिकारी आईपीएल को आयोजित कराने वाले जो समिति है वो यूएई क्रिकेट बोर्ड से मिल ले, सब कुछ देख ले, समझ ले कैसे ग्राउंड्स पर मैच होंगे, वहां से होटल कैसे जाएंगे, बायो सिक्योर बबल कैसे बना रहेगा, सिक्योर प्लेयर्स कैसे रहेंगे, बाहर का कोई खिलाड़ी या फिर बाहर का कोई भी इंसान इस सिक्योर बबल को तोड़ ना पाए, उसके लिए क्या कुछ मैकेनिज्म रहेगा, मैनेजमेंट रहेगा, इसको लेकर बीसीसीआई के अधिकारी पहले कोशिश में थे कि ये जब सब तय हो जाएगा उसके बाद हम शेड्यूल जारी कर देंगे। मेरी इस आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी के एक अधिकारी से बात हुई है जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर ये कहा है कि हमने खुद बाकायदा मैसेज किया है बीसीसीआई के अधिकारियों को, और साथ ही साथ हमने मौखिक रूप से भी कहा है जब हमसे वो अधिकारी मिले कि बीसीसीआई जल्द से जल्द ये कोशिश करे कि आईपीएल का शेड्यूल जारी हो जाए ताकि हम उसी तरह से तैयारियों में जुटें। लेकिन हमें एक और खबर सामने मिल रही है कि जब बीसीसीआई के अधिकारियों और यूएई क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई तो अबू धाबी और उसके आसपास जो कोरोना के लगातार बढ़ते मामले हैं उसको लेकर भी चिंता जताई गई है, क्योंकि अबू धाबी में शुरुआती लीग मैचेस होंगे। अब ऐसे में अबू धाबी के आसपास अगर कोरोना संक्रमण बहुत बढ़ रहा है तो ये भी एक बहुत चिंता का विषय है। इसलिए उस बारे में भी अधिकारियों के साथ यही बातचीत हुई है कि क्या इन मैचेस को आईपीएल के मैच शुरुआती मैचेस को अबू धाबी से शिफ्ट करके यूएई में करवाया जा सकता है, दूसरे दुबई में या फिर शारजा में करवाया जा सकता है, तो इसको लेकर भी बातचीत हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर अभी आखिरी कोई डिसीज़न नहीं हो पाया है, इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और इसी वजह से लगातार शेड्यूल डिले हो रहा है। जिस अधिकारी ने फ्रेंचाइजी के अधिकारी ने बीसीसीआई के अधिकारी से बात की है और जब पूछा कि भाई कब तक जारी होगा तो उन्होंने एक और तारीख दी है, मंडे और ट्यूसडे बोला है। अब ये मंडे और ट्यूसडे आप समझ सकते हैं अब अगले हफ्ते का होगा, यानी एक हफ्ते अभी और लग सकता है आईपीएल के शेड्यूल को जारी होने में, और उसके बाद फिर सारी टीमें अपनी तैयारियों को आखिरी रूप अंजाम देंगी। लेकिन ये बहुत बड़ी अंदर की खबर है। इसके अलावा कोई आपको सवाल है, कोई जवाब है, कोई सजेशन है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल anchor_apoor पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज भेज सकते हैं। ट्विटर पर भी मैं इसी आईडी पर मिलूंगा, तुरंत ये खबरें मैं ट्वीट करता रहता हूं, वहां पर भी आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहेंगी। anchor_apoor anchor_apoor ये मेरा हैंडल है, दोनों पर मुझे फॉलो कीजिए, मुझसे सवाल पूछिए, मैं आपके साथ वहां जुड़ूंगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।